الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ वाली वजमाइन रबरी अलहमदिल्ला रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है इस मुबारक महीने में हम कुरान का खुलासा शुरू कर रहे हैं इन शे जो हम सैरी शुरू करने जा रहे हैं ये बहुत सारे स्कॉलर्स की मेहनत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन तमाम उल्माओं को जज़ाए ख़ैर दे, आमीन मैं उन सब के नॉलेज को आपसे शेयर करना चाहती हूँ अल्लाह से दुआ है कि जो भी हम सीखेंगे हम सब को अल्लाह उस पर अमल करने की अता फ़रमाए आमीन इस खुलासे क़ुरान में दरअसल में हम कुरान की आयत में जो मजामीन हैं उसके कुछ मजमून पे हम बात करेंगे क्योंकि हर आयत में कई मजामीन होते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि हर एक मजमून का खुलासा किया जाए लेकिन फिर भी हम एक तरह से हाइलाइट्स देखेंगे कुरान के बारे में अल्लाह ने कई मकामात पर कमर में फ़रमाया वल्क़ यस्सर नुर्न अलफ़ाह में मुदिर और बेशक हमने क़ुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है क़ुरान समझने के लिए बहुत आसान है लेकिन थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा आपको फिर अल-फुरकान में अल्लाह ने फरमाया आया नंबर थर्टी में आता है वक़ाल रसूल या रबी इन कौम खज़ हाजल कुरान महजूरा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था यानी या तो कुरान को पढ़ा ही नहीं या पढ़ा लेकिन समझा नहीं या समझा तो अमल नहीं किया खैर कुरान सीखने के बारे में और सिखाने के बारे में वैसे भी कई आयात भी आते हैं और साथ साथ हदीसें भी हमें मिलती हैं अब ये जो कुरान का खुलासा है उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये रुकू बाय रुकू मैं लूँगी और सिर्फ सूरह फातिहा छोड़कर जितनी दूसरी सूरा मैं बताने जाऊँगी वो रुकू में जो मेन टॉपिक आया हुआ है मेन एक मजमून उसी रुकू के अंदर तो वो एक मेन मजमून सिर्फ मैं बताऊंगी वैसे मजमून बहुत सारे हैं इवन आप एक आयत भी लेंगे ना कुरान की तो उसमें कई टॉपिक्स होते हैं एक आयत में भी तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर टॉपिक के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करें अगर एक आयत भी लेंगे तो उसका एक एक घंटा कम अज़ कम कभी कभी लेक्चर बन जाता है लेकिन अब ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें पता हो क़ुरान में क्या है क्या क्या मजमून आए हुए हैं तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है डिटेल में तो नहीं है लेकिन कुछ टॉपिक्स उनको पता चलेंगे कि कुरान में किस बारे में बताया गया है तो याद रखें सूर फातिहा के टॉपिक पे मैंने बात करूँगी जो मेन मजमू नया हुआ है क्योंकि सूर फातिहा इट्स कहा जाता है कि पूरे कुरान का खुलासा है तो वो छोड़ के सूर्यब से लेके लास्ट सर नास तक हर रुकू के टॉपिक के बारे में यानी मेन टॉपिक के बारे में हर टॉपिक के बारे में नहीं बल्कि मेन एक ही कोई टॉपिक या दो टॉपिक या मैक्सिमम तीन या चार तक टॉपिक बता दूंगी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ को डिस्कस कर सकें तो ये जहन में रखें वरना यह होगा कि मैं कहूँगी कि ये रुकू में ये टॉपिक आया है और बहुत सारे उसमें टॉपिक रहेंगे और वो हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो बताना चाहिए था तो ये बात जहन में रखें कि मैं हर टॉपिक के बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि हर आयत में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं बस कुछ निशानदही करूँगी मैं और बाकी का फिर हम इंशाल्लाह जब भी डिटेल पढ़ेंगे अल्लाह ने जब चाहा तो फिर उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं और भी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी जिसमें एक तो चीज़ ये होगी कि हर सूरा का जो मेन टॉपिक आया हुआ है उसका हाईलाइट मैं करके बता दूँगी और साथ साथ उस सूरह का नाम स्पेसिफिकली यही नाम क्यों है तो उसका क्या रीज़न है तो वो भी बताया जाएगा और रुकू में कितने आयत, कौन सी आयत से लेके कौन से आयत तक है, वो भी इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगी हमारे पास अब वक्त बहुत कम है इसलिए डायरेक्ट हम पहले पारे के मजामीन का खुलासा शुरू करते हैं सूरे अल फातिहा, इसमें एक रुकू है और सात आयत हैं चूँकि कुरान हकीम का आगाज़ इस सूरत से होता है इसलिए इसको सूर्य अलफ़ात कहते हैं कुरान मजीद की ये सबसे पहली सूरत है और इसमें अल्लाह ताला ने दुआ करने का तरीक़ा सिखाया है उल्मा का कौल ये है कि ये सूरत एक दुआ है और पूरा क़ुरान इस दुआ यानि तलब हिदायत का जवाब है तो आप शुरू करते हैं आउज़बिल्ल मिन शौन मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूत से बसमिल्ल रन रहीम अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहाय रहम वाला है अलहदल्ल रबिलामीन सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है मालिक योम दिन बदले के दिन का मालिक है अल-फातिहा के पहले तीन आयतों में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ इन चार सिफतों से कराया कि वो रब है रब का मतलब क्या है वो सबको पालने वाला है वो रहमान हैं सब पर रहम करने वाला बिन मांगे देने वाला वो रहीम है ख़ास बंदों पर मेहरबानियाँ करने वाला और वो मालिक यूमद्दीन है जजा व सज़ा के दिन आख़रत में हर शख़्स को उसके किए के मुताबिक बदला देने वाला लिहाजा तमाम तारीफें उसकी ज़ात के लायक हैं का व्यान हम सिर्फ और सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ और सिर्फ तुझे से मदद मांगते हैं ईया का ईया का कस्तिन में इबादत और इंतहाई पाकिजी आमाल के साथ दुआ की तलब है के ही हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से दुआ मांगते हैं इसके बाद आखिरी हिस्सा दुआ का है या इलाही हमें ज़िंदगी की इब्त से मौत के इंतहा तक हमेशा हर बात में मुस्तकीम पर कायम रख किसी हाल में हम इस सीधे रास्ते से न बटके जिस पर तेरे वो बंदे चले जिन पर तू ने इनाम किया ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा कि हम कभी उस राह पर न चलें जिस पर वो लोग चलें जिन पर तेरा गज़ब हुआ और हमें गुमराहों के रास्ते पर चलने से भी महफूज रख आमीन सूर्य अलबारा ये दूसरे नंबर की सूरत आती है इसमें चालीस रुकू हैं और टू एटी सिक्स आयात हैं इस सूरत में एक जगह अलबरा यानी गाय का ज़िक्र है इसलिए इस सूरत का नाम अलबक़रा रखा गया है ये कुरान के सबसे तवील सबसे लंबी सूरत है इसमें कई अहकाम व मसाइल हैं आदमी की तख्लीक़ के बारे में बताया गया उनका जानशीन बनाना यानी उनको सक्सेसर बनाने के बारे में और यहूद को ईमान लाने की दावत भी दी गई है पहला रुकू शुरू करते हैं एक से सात नंबर आयत तक जिसमें मोमिन की सिफात और कुफार की खसूसियात बयान की गई है अलिफला किताबी बिला शुबा ये किताब इलाही है अल्लाह की किताब है इस किताब में कोई भी शक नहीं अल्लाह से डरने वालों के लिए इस किताब में हिदायत हैं अल्लाह से डरने वालों की पांच सिफ़ात बयान किए गए हैं पहली सिफत वो गैब यानि बिंदे की हकीकतों को किताब हक़ की रहनमाई के मुताबिक मानते हैं फिर नमाज कायम करते हैं दूसरी सिफत तीसरी सिफत अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से वो खर्च करते हैं चौथी सिफत वो बरहक मानते हैं जो पहले नबियों पर उतरा जो कुछ पहले नबियों पर उतरा उसे भी मानते हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वो क़ुरान हो या हदीसें उन सब को मानते हैं और पाँचवीं सिफ़त इन लोगों की जो मुत्तकीन हैं उनकी पाँचवीं सिफ़त ये आती है कि वो आख़रत पर यकीन रखते हैं और यही लोग नजात और कामयाब होने वाले हैं रहे वो लोग जो काफिर हैं उनके दिल व दिमाग और कानों पर गोया मोहरे लग चुकी हैं और उनकी आँखों पर ज़िद और तसब के पर्दे पड़े हुए हैं कि उनको समझाना और न समझाना बराबर है कि ये किसी तौर पर मानने वाले नहीं हैं फिर रुकू नंबर दो आठ से बीस नंबर आय तक उसमें मुनाफिकों के ख़ायश जो ख़ूसियात हैं मुनाफिकों की वो बयान की गई है और उनको मिसालों के ज़रिए समझाया गया है इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बान से तो अल्लाह को और मरने के बाद के ज़िंदगी को मानते हैं मगर उनके दिल ईमान से खाली हैं ये मुनाफिक लोग अपने तर्ज अमल से अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं मगर खुद धोखे में मुबतला हैं। हक की कामयाबी और अपने दोगलेपन की बदौलत उनके मर्ज नफाक में इजाफा पे इजाफा होते जा रहा है ये लोग दर्द अजाब के मुस्तक होंगे ये फसादी हैं मगर अपने आप को असलाह करने वाले कहते हैं अकल से खाली हैं मगर ईमान वालों को बेवकूफ़ समझते हैं ईमान वालों के सामने ईमान के दावे करना और अपनी मजलिसों में मोमिनों का मजाक उड़ाना उनकी आदत बच चुकी हैं ये लोग अकल से ऐसे खाली हैं कि उन्होंने ईमान और हिदायत के खरे सिक्कों के बदले कुफर और गुमराही का बेकार माल पसंद कर लिया है उनकी महरूमी की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो रास्ता देखने के लिए रात के अंधेरों में आग जलाए मगर जब इर्द गिर्द रोशनी हो जाए तो खुद बीनाई यानी से महरूम हो जाए और उनमें बाज ऐसे हैं जो मुसलमानों का साथ देने के लिए दुनियाई फायदे देखकर चंद कदम उठा लेते हैं फिर पाबंदियों और हक के रास्ते में कुर्बानी का जब मुतालबा किया जाता है तो वो देख कर वो ठटक जाते हैं अगर ये लोग इखलास के साथ ईमान न लाएँ तो हमेशा के लिए दौलत ईमान से महरूम कर दिए जाएंगे रुकू नंबर तीन ट्वेंटी वन आयत से ले कर ट्वेंटी नाइन आयत तक जिसमें सारे काफिर बिलकर कुरान जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकते उसके बारे में आया है अल्लाह ताला का अपने बंदों से पहला इर्शाद ये है कि ए लोगो यान्नास ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो ताकि तुम नेकोकार बन जाओ वो तुम्हारा भी खालिक है और तुमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनका भी खालिक वही है वही है जिसने ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया बारिश बरसाने वाला फिर उस पानी की बदौलत ज़मीन से तुम्हारी गिज़ा उगाने वाला वो अकेला है किसी को उसके मध्य मुकाबिल न बनाओ और सुनो कि उसने तुम्हारी रहनमाई के लिए तुम्हारी हिदायत के लिए कुरान मजीद की सूरत में आखिरी हिदायत नामा नाजिल फरमा दिया क़ुरान भेज कर तो उस पर ईमान ले आओ अगर तुम्हारा ख्याल है कि कुरान अल्लाह की भेजी हुई किताब नहीं है तो सारे मिलकर इसकी एक सूरत जैसी एक सूरत बनाकर तो लाओ। अगर तुमसे ये ना हो सके और कभी नहीं हो सकेगा तो इनकार करने वाले होकर जहन्नम का ईंधन न बनो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इस आखिरी हिदायत को मानेंगे जन्नत उनके मुंतजर होगी जिसके नीचे से नहरे बह रही होगी बेहतरीन रिस्क खाएंगे वो और हमेशा हमेशा की जिंदगी और पाकिजा बीवियाँ या पाकिजा शोहर उनके साथ रहेंगे याद रखो कुरान की तमाम मिसालें हकीक़त की वजाहत के लिए हैं मिसाल मच्छर की हो या मकड़ी की हो ईमान वाले इनको अपने रब की तरफ से समझते हैं लेकिन इनकार करने वाले फासिक एतराज करके गुमराही मोल लेते हैं यही फासिक लोग रब की फरमाबरदारी का अहद करके फिर उसे तोड़ डालते हैं ये कत रहमी करने वाले हैं और फसादी लोग हैं लोगों अल्लाह का इनकार तुम कैसे कर सकते हो जबकि तुम बेजान थे जरा गौर तो करो उसने तुम्हें जिंदा किया वही तुम्हें मौत देगा कोई और नहीं देगा बल्कि अल्लाह ही तुम्हें मौत देगा फिर दोबारा हमेशा रहने वाली जिंदगी वही अल्लाह देगा जिसने तुमको मौत दी। कायनात में जो कुछ है उसने तुम्हारे लिए ही पैदा किया है आसमान भी उसी ने बनाए वही हर शय का जानने वाला है रुकू नंबर चार थर्टी टू थर्टी नाइन नंबर आया मैं खिलाफत आदम और इबलीस के बारे में है। याद करो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं एक जानशीन बनाने वाला हूँ एक सक्सेसर बनाने वाला हूं फरिश्तों ने कहा क्या आप जमीन में उसको खलीफा बनाएंगे जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते कि मैं क्यों बनाऊँगा इसकी क्या हमतें हैं फिर अल्लाह ने आदम आलाम को सारे नाम या सारे ूम सिखाए जो इंसानों के लिए ज़रूरी या फ़ायदेमंद थे फरिश्तों से उनके बारे में अल्लाह ने पूछा तो फरिश्ते ना बता सकें खिलाफत आदम सलाम के इकरार और बदी आदम के अजमत के इजहार के लिए फरिश्तों को आदम सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म हुआ तो इबलीस जो फरिश्तों के साथ शामिल था उसने तकबुर किया उसने सख्ती से इनकार किया उसने आदम सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया और वो काफिरों में से हो गया आदम सलाम और होवा सलाम जन्नत में रहने लगे उन्हें एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था सिर्फ एक दरख्त ममनू था लेकिन शैतान ने उनको बहका दिया और उन्होंने उस ममनुआ दरख्त से चख लिया फिर दोनों ज़मीन पर भेज दिए गए आदम सलाम भी और सलाम भी अल्लाह ने आदम सलाम को माफी मांगने का तरीका सिखाया गुनाह करने के बाद तौबा करने का तरीका भी अल्लाह ही सिखा मेहरबान है, है अल्लाह हम पर हम उसकी कदर नहीं करते कि गुनाह हम करें लेकिन गुनाह की तौबा किस तरह की जाए वो भी अल्लाह ही हमें सिखाए सुबह अल्लाह अल्लाह तो हर आयब और हर नुस्ख़ से पाक है अल्लाह फिर आदम सलाम ने तोबा की तो उनकी तोबा अल्लाह ने कबूल की नस्ल आदम को हमेशा के लिए ज़मीन में रहने और आसमानी हिदायत पर चल कर कामयाबी हासिल करने की तलखीन फरमाई गई और बताया गया जो हमारी तरफ़ से आने वाली हिदायत को मानेगा वो खौफ और गम से आज़ाद रहेगा उसे न मुस्तबिल का खौफ होगा और न माजी का गम होगा जो इनकार करेगा उसके लिए हमेशा हमेशा की जहन्नम है रुकू नंबर पांच फोर्टी नंबर आया से लेके फोटी सिक्स नंबर आया तक इसमें बनी इसराइल से पहला खिताब किया गया है बनी इसराइल पर यह हकीकत वाज फरमाई गई है के आदम सलाम की ख़िलाफ़त के ख़िलाफ़ जिस किस्म का गम और ग़ुस्सा और हसद इबलीस को था इसी किस्म का गम और ग़ुस्सा और हसद अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु सल्लाम और कुरान मजीद के ख़िलाफ़ तुमको भी हैं अब देखिए कनेक्शन क्या है कहते हैं ना कि कनेक्शन नज़र नहीं आता यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शन हैं जो हमें कभी समझ में आते हैं और कभी समझ में नहीं आते के जिस तरह इबलीस ने हसद किया था आदम से गुस्सा हो गया था गम हो गया था कि आदम आसम को खलीफा कैसे बनाया जा रहा है इसी तरह तुम ऐ बनी इसराइल तुम भी हसद के शिकार हो तुम गम और गुस्से में डूबे हुए हो तुम्हें गम व गुस्सा और हसद आखिरी रसूल वसल्लम और कुरान मजीद से हैं मगर याद रखो जिस तरह शैतान की ख़्वाहिश के बावजूद आदम की खिलाफत कायम होकर रही इसी तरह तुम्हारी दुश्मनी और तुम्हारे हसद के बावजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कायम होकर ही रहेगी लिहाजा ए बनी इसराइल अपनी नेमतों को याद करो हमारे साथ किए गए वादे पूरे करो क़ुरान मजीद पर ईमान लाओ दुनिया के हकीर फायदों के खातिर अल्लाह की आयतों को फ़रोख्त न करो ना बेचो हक और बातिल को खलत मलत न करो मिक्सअप न करो नमाज़ कायम करो ज़क़ात दो लोगों को नेकी का हुक्म दो मगर खुद भी अमल करो सिर्फ लोगों को नेकी का हुक्म ना दो बल्कि खुद पहले अमल भी करो और फिर लोगों को नेकी का हुक्म दो राह हक की मुश्किल पर सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल करो। हाँ नमाज मुश्किल है मगर अल्लाह के सामने उन झुकने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं जिनको अल्लाह के सामने पेश होने का यकीन है कि एक दिन अल्लाह के सामने हमें पेश होना है रुको नंबर छः आया नंबर फोर्टी सेवन से फिफ्टी नाइन तक जिसमें तारीख बनी इसराइल के चंद वाकियात हैं हिस्ट्री बनी इसराइल की कुछ वाकियात के बारे में है अल्लाह का इर्शाद ए बनी इसराइल मेरी न्यामतों को न भूलो और खसूस उस नामत को कि तुम्हें दुनिया की कौमों पर फजीलत दी गई थी आखरत से डरो जहाँ कोई किसी के काम ना आएगा अपने प्यारे भी किसी के काम नहीं आएंगे देखो फिर तुम्हारे बेटों को कत्ल करता और तुम्हारी औरतों को गुलाम बनाने जिंदा रहने देता फिर हमने तुमको उसके जुल्म और सितम से नजात दी समंदर में रास्ता बनाया तो तुम बचकर निकले और फिरोनी तुम्हारे सामने गर्क हो गए तुम्हारे सामने डूब गए तुम देख रहे थे फिर तुमने सलाम को कोहे पर जाने के बाद बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी मगर जब तुमने तोबा की तो हमने तुम्हें माफ कर दिया इतनी बड़ी गलती के बावजूद इतने बड़े गुनाह के बावजूद हमने तुम्हें माफ़ कर दिया उस नेमत को भी याद करो फिर तुम्हारी हिदायत के लिए तुम्हें तौरात अता फरमाई किताब दी ताकि तुम हिदायत हासिल करो और तुम उसे भी याद करो जब तुमने मूसा सलाम से कहा कि जब तक हम अल्लाह को अपने सामने मौजूद न देख लें हम मानने को तैयार नहीं होंगे फिर तुम पर आजाब आ गया मगर मूसा सलाम की दरख्वास्त पर तुम्हारा कसूर भी माफ कर दिया गया कितनी बड़ी गुस्ताखी तुमने की थी कि यह मुतालबा करना कि हम अल्लाह को सामने जब तक नहीं देखेंगे तो हम मानेंगे नहीं इस बड़ी से बड़ी गुस्ताखी को भी हमने माफ कर दिया कई नमतें तुमको दी गई और क्या नमतें दी गई धूप से बचाव के खातिर तुम पर बादलों का साया किए रखा और तुम्हें खाने को उम्दा गिजाए दी मन और सलवा दिया और वो वक्त भी काबिल गौर है जब तुम्हें कहा गया कि एक शहर की आबादी में सजदा करते हुए जाओ और तोबा करते जाओ और जिंदगी के तमाम जरूरियात जो भी है उसको भी हासिल करो मगर तुमने हमारी बतलाई हुई बात को बाजल डाला जो कहा गया था वो नहीं किया फिर हमने तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से तुम्हें अजाब में मुबतला कर दिया रुकू नंबर सात नंबर टू तक, जिसमें के के सरकशी के दो और उसका अंजाम भी बताया गया है। बहरे कुलजूम उबूर करने के बाद सहराय सीना में बनी इसराइल को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा वहाँ पानी बहुत कम था तो मूसा सलाम की दुआ की वजह से बारह चश्मे जारी हो गए बदी इसराइल से फरमाया गया कि अल्लाह की नमतों को खाओ लेकिन उनकी ना कदरी ना करो मन और सलवा जैसी नमतों की कदर करने के बजाय तुमने क्या किया तुमने कहा हमें वेजिटेबल्स चाहिए साग पात चाहिए तरकारियाँ चाहिए गंदुम चाहिए मसूर की दाल ककड़ियाँ चाहिए ये सारी हकीर चीज़ें मांगना शुरू कर दी लिहाजा उन पर ज़िल्लत मुसलत हो गई और अल्लाह के गजब के शिकार हो गए क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया और इतना ही नहीं बल्कि अंबिया को भी कत्ल कर दिया रुको नंबर आठ आया नंबर सिक्सटी टू से सेवेंटी वन तक यहूद की अहद शिकनी की दास्तान उन्होंने जो वादे तोड़े थे उसकी दास्तान अल्लाह पाक के यहाँ इज्जत के जरिए नसब नहीं बल्कि ईमान और अमले साले हैं इस रुको में यहूद की तीन आहद शिकनी तीन तरह के अहद को तोड़ने और उनकी नस्ली गुरूर का तस्करा कुछ इस तरह हुआ है फरमाया हमने तौरात पर अमल करने का अहद तुमसे इस एहतमाम के साथ लिया कि तुम पर पहाड़ को बुलंद कर दिया ताकि तुम्हारे अंदर यह एहसास बेदार हो कि अगर हमने अल्लाह का हुक्म न माना तो यह पहाड़ हम पर गिर जाएगा और हम निस्त व नाबूद हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे मगर इस पर भी तुमने अहद शिकनी की अहद को तोड़ दिया अगर अल्लाह का फजल नहीं होता तो अब तक तुम्हारा किस्सा पाक कर दिया जाता जिस तरह पहले कौमों को खत्म कर दिया गया इसी तरह तुमको भी खत्म कर दिया जाता फिर तुमने हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया हालांकि तुम्हें कहा गया था कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार ना करो कोई काम न करो लेकिन तुमने क्या किया ही बाजिया की हीले साजियों से मछलियां पकड़ी और हफ्ते के एहतराम को पीछे डाल दिया अपने पीठ पीछे डाल दिया तुम्हारी सूरतें इसकी वजह से मस्क कर दी गईं, तुम्हें बंदर और खंजीर यानी बना दिया गया यहूद ने तीसरी सरकशी गाय को जबा करने के हुक्म के वक्त कि जब उन्हें गाय को जबा करने का हुक्म दिया गया था तो उस हुक्म पर तरह तरह के सवालात खड़े किए कि गाय कैसी हो उसका रंग कैसा हो बहुत सारे सवाल करने शुरू कर दिए बिल आखिर न चाहते हुए भी मूसा सलाम के सामने उनको सर झुकाना पड़ा उन्होंने गाय जबा कर दी जो नहीं करना चाहते थे उनके दिल में ऐसा करना नहीं था लेकिन फिर भी वो उस पर तैयार हो गए रुकू नंबर नाइन सेवेंटी टू नंबर आया से एटी टू नंबर आया तक यहूद के आबा व अजदाद की संग शक्ति सख्ती और उनके मुसलसल मुनाफिकत के बारे में बनी इसराइल ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था यानी एक शख्स था उनके बनी इसराइल के अंदर उसको किसी शख्स ने कत्ल किया पता नहीं चल रहा था कि किसने उसे कत्ल कर दिया मगर वो उस कत्ल का इल्ज़ाम किसी और के ऊपर डालने लगे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जबर शुदा जो गाय है जो तुमने अभी जबर की है उसके गोश्त का एक टुकड़ा ले लो और मकतूल पर मार दो जो मर गया इंसान उस पर एक टुकड़ा लेके उस पर मार दो। तो ये क्या होगा ये जो मकतूल है वो जिंदा हो जाएगा और वो तुमको बताएगा कि कातिल कौन है ये भी एक मुजा था ये जो वाक्य था ना मुर्दे को जिंदा करना ये वाकया अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानी थी कि बनी इसराइल के सर अल्लाह की अजमत के सामने झुक जाते मगर हुआ क्या ऐसा नहीं हुआ उनके दिल और ज्यादा सख्त हो गए उनके दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए पत्थरों से तो चश्मे फूटते हैं नहरें निकलती हैं, और पत्थर तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते हैं मगर ये सख्त दिल इंसान पर कुछ असर नहीं हुआ दिल की सख्ती और सरकशी इनका कौमी निशान बन गई आज भी यहूद का यही हाल है अल्लाह का कलाम सुनते हैं जानते बूझते इसमें हेरा फेरी करने लगते हैं ऐसे बेज़मीरों के ईमान लाने की कोई तवक्का नहीं रखी जाती इनसे तो रखना भी बेकार है ये लोग अपनी मसलहतों के खातिर मुसलमानों के सामने इजहार ईमान करते हैं और कभी कभी मुसलमानों की खुशनुदी के लिए खुशी के खातिर आप अलैहि वसल्लम के हक में तौरात की कोई पेशन गोई बयान कर देते मगर जब अकेले हो जाते अलाद अपने लोगों में हो जाते तो एक दूसरे को समझाते कि मुसलमानों को कोई ऐसी बात न बताओ जिसे वो कल तुम्हारे खिलाफ़ दलील के तौर पर पेश करे हालांकि अल्लाह उनके सब खुले छुपे आमाल से वाकिफ है ये बदबخت चंद टुकड़ों के खाते तौरात में भी तहरीफ कर देते हैं लानत हो उनके लिखने वाले पर और लानत हो उनकी इस कमाई पर उनके सारे सरकशियों के बावजूद वो नजात की बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधे हुए हैं और उनका ये कहना कि हम जहन्नम में सिर्फ चंद रोज़ रहेंगे और उसके बाद हम वहाँ से निकाले जाएंगे आज मुसलमान भी यही कहता है ना कि चंद रोज़ हम जहन्नम में रहेंगे और फिर उसके बाद के जन्नत में ही जाना है ये सारी बातें अल्लाह क्यों बता रहे हैं यहूदियों के बारे में बताने का मकसद क्या है या किसी और कौम के बारे में बताने का मकसद क्या है क्या है मुसलमानों तुम ये गलती नहीं करना लेकिन वही गलती हम कर रहे हैं और इन यहूदियों का कहना कि हम जहन्नम में चंद रोज से ज्यादा नहीं रहेंगे उन्होंने रब से कोई मुआदा कर रखा है सुनो ऐसा हरगिज़ नहीं हकीकत यही है कि नजात ईमान और अमले साले करने से मिलेगी नजात किससे मिलेगी ईमान लाने से सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं बल्कि उसके साथ अमल नेक अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने होंगे नस्ली गुरूर पर भरोसा करते हुए बुराइयों में मगन रहने वाले यकीन नाजाब इलाही के मुस्तक होंगे रुकू नंबर दस आय नंबर 83 थ्री से एट्टी सिक्स तक जिसमें मिसाके बनी इसराइल यानी बनी इसराइल से पक्का जो वादा लिया गया था और उनकी आहद शिकनी उन्होंने जो आहद करके तोड़ दिया था उसके बारे में मिसा के बने इसराइल की बड़ी बड़ी बातें ये थी नंबर वन कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना दूसरी बात थी माँ बाप के साथ एहसान करना तीसरी बात थी रिश्तेदारों यतीमों मस्किनों और आम लोगों के साथ हुसन सलूक करना चौथी बात थी नमाज कायम करना और पांचवी बात थी जक़ात अदा करना मगर ये लोग सब कुछ इकरार करने के बावजूद अल्लाह की नाफरमानियों में मशगूल रहे वादा तो किया पक्का वादा किया लेकिन नाफरमानी की है वादे को तोड़ दिया उन्होंने फिर उनको हुक्म दिया गया एक दूसरे को कत्ल ना करो और अपने कमजोरों को घरों से ना निकालो उनको बेघर ना करो यहूदियों ने इस हुक्म का इस तरह मजाक उड़ाया कि ताकतवरों ने कमज़ोरों को परेशान करना शुरू कर दिया और एक फरीक ने एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के खिलाफ जुल्म से ग्रोह बंदी करके ग्रुप बनाकर उसे उसके वतन से बाहर निकालने लगे लेकिन जब कुछ लोग कैदी बन गए तो अपनी मजहबियत जतलाने के खातिर कैदियों को फिदिया देकर छुड़ाने लगे ये गुमराही की इंतहा थी कि कैदियों को छुड़ाने के वक्त तो शरीयत याद आ गई कि हमारी शरीयत में है कैदियों को छुड़ाना लेकिन अपने भाइयों को जब कत्ल करने लगे और घरों से बेघर करने लगे घर से निकालने लगे उस वक्त तुमको शरीयत याद नहीं रही यानी कुछ हुक्म को तुम मानते हो और कुछ को नहीं मानते उसको पीठ पीछे डाल देते हो जो तुम्हें पसंद नहीं होती ऐसे लोग दुनिया में होंगे और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे और उनके अजाब को कम नहीं किया जाएगा उनकी कोई मदद भी नहीं करेगा आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान भी क्यों रसुआ हैं इससे सबक लें क्या कुछ अहकाम पे हम अमल करते हैं कुछ को छोड़ देते हैं जो हमारे पसंद की चीज़ें हम ले लेते हैं और जो हमें पसंद नहीं है हमें लगता है कि ये मुश्किल है या हमें पसंद नहीं आती हम उसको छोड़ देते इसलिए आज का मुसलमान यहूदियों की तरह रस्वा हो गया रुको नंबर एलेवन है एटी सेवन नंबर से नाइन्टी सिक्स नंबर आया तक जिसमें बने इसराइल का इनकार और खत्म रसूल यानि रिसालत के ख़त्म होने का और मौत के डर के बारे में बताया गया बनी इसराइल के पास मूसा सलाम तशरीफ लाए उनके बाद पे दर पे एक के बाद एक पैगंबर भेजे गए फिर हजरत ईसी वाज दलाइल के साथ आए अगर जो रसूल उनके मन के मर्जी के खिलाफ पैगाम हक लाया उन्होंने उसके हुक्म मानने से इनकार कर दिया बास पैगंबरों को उन्होंने झुटलाया और बास को शहीद कर डाला कितनी डिटाई थी उनमें बनी इसराइल ने नबियों को झुटलाने और शहीद करने की तारीख बयान करते हुए फरमाया गया कि जिस तरह ये लोग हमेशा सच्चाई के मुनकर रहे सच्चाई को नहीं मानते उसी तरह आज भी हक के मुखालिफत में वो आगे, आगे आगे एक्टिव हैं ये कहते हैं हमारे दिल हक की कबूलियत के लिए बंद हो गए हमारे दिल को मुहर लग गई है दर हकीकत उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है अल्लाह की लानत है उन पर बदबक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले आपके दुश्मनों के मुकाबले में फतेह की दुआ मांगा करते थे मगर जब आप वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने पहचान भी लिया कि आप ही नबी हैं इसके बावजूद उन्होंने आप अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने से सिर्फ इसलिए इनकार किया कि आप वसल्लम उनकी नस्ल में से नहीं हालांकि अल्लाह अपने फजल के लिए जिसे चाहता है उसे चुन लेता है अपने इस तर्ज अमल की वजह से ये लोग हमेशा के लिए अल्लाह के गजब के मुस्तक ठहरे जब भी उन्हें कुरान पर ईमान लाने को कहा जाता तो कहते हमारा जो तवरत पर ईमान लाना है वही हमारे लिए काफ़ी है इसके अलावा हम किसी आसमानी किताब को मानने वाले नहीं अगर वाकई ये जो कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है तो ये लोग तवरत के पैगाम पहुँचाने वाले जो नबी थे उनको कत्ल करने की कोशिश क्यों की फिर यही लोग जिन्होंने मूसा को कोहे पर जाने के बाद गछड़े की पूजा करना क्यों शुरू कर दी थी ऐ मोहम्मद वसल्लम यहूदी अपने आप को अल्लाह का महबूब बनाते हैं उनसे कह दें कि अगर आखिरत में अल्लाह की मेहरबानियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं, तो फिर एक काम करो मौत की तमन्ना करो क्योंकि मौत के बाद फिर अल्लाह से मिलोगे ना लेकिन यह अपनी करतूतों से पूरी तरह वाकिफ़ है ये कभी मौत की ख्वाहिश नहीं करेंगे हालांकि सबको मरना है ख्वा कोई एक हज़ार साल की उम्र पा ले उनकी लंबी उम्र उनको अल्लाह के अजाब से नहीं छुड़ा सकती अल्लाह पाक इनके अमाल से पूरी तरह वाकिफ है फिर रुको नंबर बारह आय नंबर नाइन्टी सेवन से लेके वन हंड्रेड थ्री तक जिसमें हज़रत जबरील सलाम और सेहर सहर यानि जादूगरी और उसके अमलियात का जिक्र है यहूद कहते हैं कि जबरील सलाम जो फरिश्ते हैं वो हमारा दुश्मन है कि बनी इसराइल के बजाय वो बनी इसमाइल के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही क्यों लाता है अल्लाह इरशाद है कि कुरान मजीद पहली किताबों की तस्दीक करती हैं और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है यहूद याद रखे कि उन आयत का इनकार करना सिर्फ फासिकों का काम है रहे जबरील आलाम व अल्लाह के फरिश्ते हैं और अमीन हैं अमानत दार है। जिब्रील जबरील आल्लम का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है और ये तो महज उनके बहाने साजिया है जो ये कह रहे हैं हकीकत यह है कि इन जालमो का आसमानी किताबों और नबियों की तालिमात से कोई दिलचस्पी नहीं इनकी दिलचस्पियां उन निचली जादूगरी और शैतानी अमलियात से हैं जो उनको बाबुल की तहजीब यानी बेबलियन सिविलाइजेशन से वरसे में मिली है यह जादूगरी को हजरत सलेमान और हारूत और मारूत फरिश्तों से मंसूब करते हैं कि ये जादूगरी हमने उनसे सीखी है नउज़ बिल्ला हालांकि हकीकत यह है कि वो सिर्फ आजमाइश थे नफे व नुकसान अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं अल्लाह ताला के यहाँ ये बात तयशुदा है जिसने आसमानी हिदायत को पीठ पीछे डालकर जादूगरी और शैतानी अमलियात की पैरवी की उसके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं अफसोस है उन पर अगर ये हकीकत से बाखबर होते तो तमाम तर खैर ईमान और तकबे में पाते रुकू नंबर तेरा आय नंबर एक सौ चार से एक सौ बारह तक मुसलमानों के गुमराह करने के लिए यहूदियों के जो एतराज थे वो और उनके जवाब दिए गए यहूदी और उनके पीछे लगने वाले मुनाफिक आप वसल्लम से बातचीत करते उस वक्त माने अल्फाज इस्तेमाल करते थे जिनसे आप वसल्लम की तोहिन यानी इंसल्ट का पहलू नजर आता है, जैसे राइना को राइना कहते हैं राइना का मतलब क्या है हमारी तरफ नजर करो जैसे हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी कहते हैं ना क्या इस तरह से कुछ तो राइना यानी हमारे चरवाहे शेफर्ड कहते हमारे शेफर्ड इस अल्फाज इस्तेमाल करते ईमान वालों को अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम ऐसे अल्फाज से परहेज करो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करो यहूदियों के असली मर्ज जो था असली मर्ज का जिक्र फरमाया गया कि वो अपने नस्ली तब के सबब हरगिज़ नहीं चाहते कि मुसलमानों पर कोई खैर व बरकत नाजिल हो लेकिन अल्लाह ताला इंसानी ख्वाहिशों का पाबंद नहीं वो जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है एक हुकुम की जगह दूसरा हुक्म किसी मसलहत के खातिर उतारता है या मनसूख होता है तो ये लोग फ़ौर एतराज करते हैं फरमाया गया कि अल्लाह हर शे पर कादिर है जब एक हुक्म मनसूख किया जाता है तो उसकी जगह वैसे ही या उससे बेहतर हुक्म नाजिल हो जाता है ऐ मुसलमानों ऐसा तरीका इख्तियार ना करो जो बनी इसराइल ने किया था उन्होंने क्या किया था उन्होंने अपने रसूल से गैर ज़रूरी सवाल किए थे तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर ज़रूरी सवाल ना करना यह हम सब के लिए भी है कभी कभी गैर ज़रूरी सवाल हम करने लगते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो और ये क्यों वो क्यों हालांकि उस चीज की जरूरत नहीं होती वो ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए क्योंकि ईमान लाने के बाद काफिराना तरीका काफिराना रविश इंसान को हिदायत से बहुत दूर फेंक देती हैं हसत की वजह से अहल किताब की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रही कि मुसलमान ईमान लाने के बाद कुफर को इख्तियार कर ले मुसलमानों तुम उनके बारे में अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो नमाज कायम करो जक़ात अदा करो और अपने लिए नेकियों का जखेरा आखरत के लिए बनाते रहो यहूदियों और नसरानियों ने यह महज झूठी उमंगे और आर्जुए की थी कि जन्नत में सिर्फ वही यहूदी या नसरानी जाएंगे याद रखो जन्नत किसी का वरसा नहीं अल्लाह के यहाँ अजर का मुस्तक और हर खौफ व गम से आज़ाद वही है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया और अच्छे अमल किए आज का मुसलमान भी क्या कहता है हम ही सिर्फ जन्नत में जाएंगे भले हम अच्छे काम करें या ना करें नमाज पढ़े या ना पढ़े तो इसलिए याद रखो कि जो यहूदियों और नसरानियों ने किया था वो तुम ना करो रुकू नंबर चौदह है आय नंबर 113 से 121 तक इसमें यहूद व नसारा और जो ने मक्का है उनकी रविश के बारे में बताया गया है फरमाया गया यहूद जो है वो नसारा को गुमराह कहते हैं और नसारा यहूद को गुमराह कहते हैं और ने मक्का हर दो को गुमराह कहते हैं यानी यहूद भी गुमराह है और नसारा भी गुमराह है इसका फैसला जजा व सजा के दिन होगा के हक पर कौन है ने मक् का हाल यह है कि वो हर खालिस अल्लाह का नाम लेने वालों को मस्जिद हराम में इबादत से रोकते हैं और मस्जिद हराम को बर्बाद करने की दौड़ धूप करते हैं याद रखो अल्लाह के मसाजिद से अल्लाह के बंदों को रोकने वाले दुनिया व आखरत में रसुवा होंगे तीनों गुरु के जो बाहिमी इख्तलाफ थे उसका एक बड़ा सबब क्या था सिमत किबले का तय किबले के की हर एक अलग अलग सिमत में नमाज पढ़ता है ना इबादत करता है हालांकि मशरक और मगरब का मालिक कौन है अल्लाह जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है नसारा ने ईसा सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया हालांकि अल्लाह उनकी इस बेहूदगी बातों से पाक है जो वो कहते हैं मुश्रक ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे खुद बराह रास् डायरेक्टली बात क्यों नहीं करता या हमारे पास नबी के सच्चाई के कोई निशानी क्यों नहीं भेजता मुशरकों का ये मुतालबा वैसे ही है जैसे यहूदियों ने मूसा सलाम से किया था कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। जब तक हम अल्लाह को नहीं देखेंगे तब तक हम ईमान नहीं लाएंगे ये सेम वैसे ही बोल रहे हैं मुशरकिन भी वैसे ही बोल रहे हैं जैसे यहूदियों ने बोला था क्योंकि गुमराही में सबके दिल एक जैसे हो गए हैं ए मोहम्मद सल्ला वसम आप बशारत देने वाले खुशखबरी देने वाले और बदअमली के बुरे नतज से डराने वाले हैं बशीर व नज़ीर हैं आप आप उनके ईमान न लाने से गमगीन न हो परेशान न हो और उनकी ख्वाहिशात के पीछे बिल्कुल ना चलें। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि आप अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत को छोड़कर उनके तरीके अपना लें और तब वो जाके तुमसे खुश होंगे जब तुम उनकी तरीकों को अपनाएंगे वो तुमसे खुश हो जाएंगे यहूद व नसारा में बाज ऐसे इंसाफ पसंद भी है ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं सारे लोग ऐसे नहीं हैं यहूद व नसारा में कुछ लोग इंसाफ पसंद भी हैं, जिन्होंने हक को पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि पर ईमान ले आए और कुरान की इस तरह तिलावत करते हैं जिस तरह उसका हक है रहे जिद और तकबुर के बिना पर इनकार करने वाले वही खसारा उठाने वाले हैं क्यों ईमान लाना नहीं चाहते एक तो जिद होती है दूसरा तकबर यही मेन रीजन होते, है। होते हैं और भी कई रीजन होते लेकिन ये भी दो रीजन है वो भी मेन रीजन है रुकू नंबर पंद्रह आया नंबर एक सौ बाईस से एक सौ उनतीस तक इसमें हजरत इब्राहिम सलाम की इमामत और आजमाइशों के बारे में बयान किया गया है पिछले रुकू में मुशरिकी ने मक्का और नसारा जो थे उनके तर्ज अमल पर तनकीद की गई है क्रिटिसाइज किया गया है उनको ईमान की दावत दी गई है और अब यहूद को अल्लाह के इनाम याद दिलाकर आखरत की जो जवाबदही है उसका एहसास दिलाकर ईमान की दावत दी जा रही है पीछे ने मक्का और नसारा को दावत दी गई थी अब इस रुकू में यहूदियों को दावत दी जा रही है उनके इनामत गिनवाए जा रहे और तीनों गुरु के इमाम जो थे वो कौन है हजरत इब्राहिम तो हजरत इब्राहिम की तारीख हिस्ट्री से साबित किया जा रहा है कि सल्लल्लाहु वसल्लम का तरीका ही मिलत इब्राहिमी है तुम तीनों के तीनों इब्राहिम को नबी मानते हैं ना तो इब्राहिम सलाम का तरीका क्या था वो आपको जानना होगा अल्लाह इरशाद कि अल्लाह के खलील इब्राहिम की जब भी आजमाइश हुई जब भी उनका इम्तिहान लिया गया तो वो हर इम्तिहान में पूरे उतरे लिहाजा हमने पूरे आलम की इमामत उनके हवाले कर दी उन्होंने अर्ज किया ए अल्लाह ये हिदायत व दावत की इमामत मेरे नस्ल में भी जारी रहे तो उन्हें फरमा दिया गया उन्हें जवाब दिया गया हाँ मगर लोग इमामत के अहल नहीं होंगे इब्राहिम और इसमाइल अल्लाह के हुक्म से के। तामीर करने के बाद तकमील पर इब्राहिम ने दुआ की क्या इलाही इस शहर को अमन वाला बना इसके रहने वाले ईमानदारों को हर तरह के फल अता फरमा हर तरह का रिस्क अता फरमा अः अल्लाह हमसे तामेर काबा की खिदमत को कबूल फरमा यानी जब अच्छा काम करे तो ये भी ध्यान रखे कि हमें यह भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसको कबूल भी करें हमें और हमारी औलाद को हमेशा तेरी फरमा बरदारी की तोफीक अदा फरमा और हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा दें कि हम सही तरीके से तेरी इबादत कर सके बिदतें ना कर सके शिरक न कर सके अयमारे रब इन में से एक ऐसा रसूल भेज जो उनमें तेरी आयत को पढ़ के सुनाए किताब व हिकमत की तालीम दे और उनका तस्किया कर दें रुकू नंबर 16 है आय नंबर 130 से लेके 141 तक इसमें मिलत इब्राहिम पर कायम रहने की तलकिन की गई है। पहले पारे के आखिरी रुकू में फरमाया गया इब्राहिम सलाम हमारे चुने हुए रसूल थे चुने हुए बंदे थे आखरत में उनका बहुत बुलंद मकाम होगा उनके तरीकों को छोड़ना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं वह अपने रब के हकी फरमाबरदार थे उन्होंने और उनके पोते याकूब आसमाम ने अपनी औलाद को मुसलमान रहने और मुसलमान मरने की वसीयत की थी ये पाग़बाज़ इंसान सही अकीदे और दुरुस्त अमल पर कायम रहे उनका अकीदा सही था यहूद नसारा कहते कि हिदायत यहूदियत और में है। यही सिर्फ हिदायत वाले हैं याद रखो हिदायत सिर्फ मिलत इब्राहिम के इख्तियार करने में है मुसलमानों तुम कह दो हमारा ईमान उन्हीं बातों पर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक याकूब उनकी औलाद और मूसा का ईमान था अगर तुमने इसी तरह ईमान रखा जैसे हम ईमान लाए हैं तो तुम हिदायत पाओगे वरना अल्लाह ताला तुमसे खुद निपटेगा अगर देखा जाए तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम से पहले यहूदियत थी तुम जो कह रहे हो यहूदी इब्राहिम यहूदी थे मूसा आने के बाद यहूद नाम हो गया क्या ईसा से पहले ईसाइत थी इब्राहिम क्या ईसाई थे कई सालों बाद ईसा पैदा हुए। हमने अल्लाह का रंग यानी दीन इस्लाम इख्तियार कर लिया है अल्लाह वाहिद की खालिश इबादत से बेहतर कोई रंग नहीं सिब ग तुम्हारा यह कहना बिल्कुल गलत है कि इब्राहिम इसमायल सलाम, याकूब सलाम और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है अच्छी तरह सुन लो कि अकीद तौहीद इख्तियार करके और नेक आमाल करके ही कामयाबी हो सकेगी बुजुर्गों के जो अमाल थे तुम्हारे किसी काम ना आएंगे वो तो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी जो उन्होंने किया उनके लिए और जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए तुमसे उनके अमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि उन्होंने क्यों किया और कैसे किया तुम्हारा सवाल तुम्हारे लिए और उनका सवाल उनके लिए होगा यहाँ पर हमारा पहला जुज कंप्लीट हो चुका है